लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। मलूक नागर ने कहा, मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं घर पर नहीं बैठ सकता, मैं देश और लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। अपने इस्तीफे पर लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कहा कि अब मैं देश और जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। वहीं इस्तीफे के तुरंत बाद पूर्व बसपा नेता मलूक नागर जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से इस पार्टी में हूं और अब मैं देश और जनता की सेवा करना चाहता हूं। बीएसपी में ये इतिहास रहा है कि एक कार्यकाल के बाद या तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर पार्टी आपको घर बिठा देगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े, देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। आपको बताएं कि मलूक नागर ने 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट से मेरठ से लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2014 में उन्होंने बिजनौर से संसदीय चुनाव लड़ा था, मगर इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर से जीत मिली थी, इस बार भी उन्हें यहां से टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर पार्टी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी ने इस बार यहां से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। टिकट ना मिलने से मलूक नागर बेहद नाराज चल रहे थे। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है, उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मलूक नागर के छोड़ने का एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यहां बसपा सांसद मलूक नागर ने पार्टी का साथ छोड़ राष्ट्रीय लोक दल का दामन थामा है। वो गुरुवार को जयंत चौधरी के आवास पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें, पहले भी बिजनौर में बसपा सांसद मलूक नागर ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और किसान नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई थी। बहुत मजबूती मिलेगी हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को, मदद मिलेगी एनडीए को, बहुत मदद मिलेगी सभी जगह प्रत्याशियों के लिए। आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी, और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी, और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रति मैं उनको बांध के हरी डोरी को। बता दे, बसपा चीफ मायावती ने इस बार मलूक नागर का टिकट काट दिया है। नागर की जगह बीएसपी ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जानकारों का कहना है कि टिकट न मिलने को लेकर नागर नाराज चल रहे थे, इसके बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बता दें कि मलूक नागर की गिनती बसपा के कदावर नेताओं में होती थी, उन्हें मायावती का भी खास माना जाता था।